गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। आज हम सीखेंगे अगला हिंदी व्याकरण सर्वनाम। पहले कक्षा में वजन के बारे में पढ़ा, संज्ञा के बारे में पढ़ा, क्रिया के बारे में पढ़ा। ओके, आज हम सीखेंगे सर्वनाम। ये सर्वनाम अंग्रेजी में क्या है? अंग्रेजी में प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? इंस्टेड ऑफ ए नाउन। व्हाट इज नाउन? व्हाट इज संज्ञा? संज्ञा क्या है? व्यक्ति का नाम। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम या क्या है, वस्तु का नाम। ये संज्ञा कहते हैं और नाउन कहते हैं। और नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेसेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। इसी के प्रकार संज्ञा के बदले, संज्ञा के बदले इंस्टेड ऑफ ए नाउन, इंस्टेड ऑफ ए नाउन। अंग्रेजी में इंस्टेड ऑफ ए नाउन माने क्या है? नाउन ने पगरम क्या है, क्या है? टेल मी। या अच्छा अच्छा, बालू इज ए गुड बॉय, ही इज ऑल्सो ए हैंडसम। बालू इज ए गुड बॉय। हियर इस वाक्य में कर्ता कौन है? बालू। बालू के बालू कर्ता। नाउन, इंस्टेड ऑफ नाउन वी यूज ही। बालू के बदले हमने क्या क्या यूज किया, क्या प्रयोग किया? ही। सो अंग्रेजी में ही प्रोनाउन, हिंदी में क्या है? सर्वनाम। इंस्टेड ऑफ ए नाउन, नाउनिन पगरम। हिंदी में संज्ञा के बदले, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले, नाउन के बदले हमने क्या किया? संज्ञा के बदले जिन शब्दों को प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। इंस्टेड ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। हिंदी में संज्ञा के बदले किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अंग्रेजी में क्या है? अंग्रेजी में ही, शी, इट, आई, वी, यू। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे आर द प्रोनाउंस एक्सेट्रा आर द प्रोनाउंस। इसी के प्रकार हिंदी में माइम, हम, तुम, तू, वक, यक, ये, वे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक बार पढ़िए सर्वनाम, हिंदी में सर्वनाम। ए, वे, यक, वक, हम, तू, तुम एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझा? समझे सभी को? समझे? एक बार पढ़िए, एक बार पढ़िए सर्वनाम। सर्वनाम माने संज्ञा के बदले जिन शब्दों को प्रयोग किया जाता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जैसे माइम, हम, तू, तुम, आ, वह, यह, ये, वे एक्सेट्रा आर द सर्वनाम है। समझे सभी को? अगला हमने पढ़ा संज्ञा के साथ, ये सर्वनाम के साथ किसी प्रत्यय जोड़ने के समय हिंदी में क्या बनता है? देखिए माइम, माइम व्हाट इज द मीनिंग? माइम, माइम का अर्थ क्या है? आई, ज्ञान। माइम प्लस ने, माइम प्लस ने क्या बनता है? ए प्रत्यय है। ए क्या है? ए क्या है? ए कार्य चिन्ह है। समझा? ए कार्य चिन्ह है। सर्वनाम के साथ किसी प्रत्यय जोड़ने के समय क्या बनता है? माइम प्लस ने, माइम ने, माइम प्लस ने, माइम ने। माइम प्लस को, मुझको। माइम प्लस को क्या बनता है? माम के साथ संज्ञा या किसी प्रत्यय जोड़ने के समय हमको क्या बनता है?
सर्वना करते के ए मुझको समझा। माइन प्लस का मेरा, माइन क्लास माइन प्लस का मेरा, माइन प्लस की मेरी, माइन प्लस के मेरे समझा। अगला तुम प्लस को तुझको, तुम प्लस को तुझको, माइन प्लस से मुझसे। इसी के प्रकार सभी सर्वनाम के साथ ए प्रत्यय जोड़ने के समय इसी प्रकार का सर्वनाम बनता है। माइन प्लस में मुझ, मुझ में, माइन प्लस के लिए मेरे लिए, तू प्लस ने तूने, तुम प्लस को तुझको, तू प्लस का तेरा, तू प्लस का तेरा निंदे, तू प्लस के तेरे, तू प्लस की तेरी। अगला आप प्लस ने आपने, आप प्लस ने आपने, हम प्लस के लिए हमारे लिए, हम प्लस के लिए हमारे लिए, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ഹമാരെ ലിയെ, തും പ്ലസ് കോ തുജ്കോ, വേ പ്ലസ് നേ ഉനോനെ, വേ പ്ലസ് നേ ഉനോനെ। ഇസി പ്രകാർ ഏ പ്ലസ് നേ ഇനോനെ, ഇനോനെ। വോ പ്ലസ് കാ वाक प्लस का, उसका वाक प्लस के उसके, वाक प्लस की उसकी, यज्ञ प्लस का इसका, यज्ञ प्लस की इसकी, यज्ञ प्लस के इसके। ओके देन कोई प्लस का, सॉरी कोई प्लस ने किसी ने, कोई प्लस ने किसी ने। इसी के प्रकार सर्वनाम के साथ जो पेटने जो प्रत्यय जोड़ के समय अगला अर्थ के रूप एक शब्द मिलता है। समझे सभी को? ये क्या है? ये कारक चिन्ह है, ये कारक चिन्ह है। अगला हमने पढ़ा उसके अर्थ के बारे में पढ़ा, मलयालम में इसका अर्थ के बारे में पढ़ा। एक बार पढ़िए। माइन प्लस का मेरा, माइन प्लस की मेरी, माइन प्लस के मेरे, तुम प्लस को तुझको, माइन प्लस ने सॉरी माइन प्लस से मुझसे, वाउ प्लस का उसका, एक प्लस का इसका, तू प्लस का तेरा, तू प्लस की तेरी, तू प्लस के तेरे, आप प्लस ने आपने, हम प्लस के लिए हमारे लिए, वे प्लस ने उन्होंने, ए प्लस ने इन्होंने। इसी के प्रकार हमको सभी सर्वनाम का सर्वनाम शब्द हमको लिखा सकता है। ए अगला ए सर्वनाम शब्द का मलयालम अर्थ मैंने ये नोट में भी दिया। मयं का अर्थ क्या है? मयं आई ओ ज्ञान, मयं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मयं? पहले क्लास में पढ़ा मयं का अर्थ क्या है? इल मींस इन समझा। ए मयं आई, तू यू, तू यू तुम यू, हम बी, हम बी, देन वक ही शी इट, अवन अवल अद आ
he she it yek even even id he she it okay angrezi mein I we you he she it they these are the word meaning in hindi mine I hum we tu tum you vah yak he she it they ye ye ve they there a shabd you have to study the word meaning in malayalam very well after study you can write the write the hindi hindi mein ek hindi mein ek sentence aapko achhi tarah likh sakta hai ye shabd honge ye sarvanam shabd ke malayalam arth padhne ke baad agla vakya banao okay ram ke arth kya hai ok ram ke avan raman aagunu ok seedha hai aval seedhi aagunu okay इसी के प्रकार तुम कौन हो तू इधर आ आप यहां आइए आप क्या करता है समझा ये हिंदी में ये सर्वनाम के बाद मैं लड़की हूँ मैं लड़की हूँ आई एम ए गर्ल इसी के प्रकार हिंदी में ये सर्वनाम शब्द जोड़ने वाक्य में आता है तो उसके अंत में क्या बनता है देखिए मैं एक लड़की हूँ I am a girl. I am a girl. मायम ए सर्वनाम मायम वाक्य में मायम आता है तो ये वाक्य के अंत में हूँ आता है मायम वाक्य में मायम कर्ता के रूप में आता है तो उस वाक्य के अंत में हूँ आता है समझा तुम आने के समय वाक्य के कर्ता तुम के रूप में आता है तो वाक्य के अंत में को आता है एग्जाम्पल तुम कौन हो हु आर यू ए तुम कर्ता के तुम ए वाक्य के कर्ता के कौन है तुम यू ए कर्ता ए सब्जेक्ट तुम कौन हो तुम वाक्य के वाक्य में तुम क्रिया सॉरी कर्ता के साथ आता है तो वाक्य के अंत में को आता है समझा आप इधर आइए आप आता है तो वी कैन यूज ये और हे आप क्या करता है आप इधर आइए तुम पढ़िए आप आइए आप जाइए आप लिखिए आप पढ़िए इसी के प्रकार अगला तू है वाक्य में तू कर्ता के रूप में आता है तो अंत में के जोड़ता है हम आता है तो वाक्य में कर्ता के रूप हम आता है तो वाक्य के अंत में हाइम आता है वख वख राम है वग सिंगल रूप सिंग ए सिंगुलर मीन्स एक वजन है तो अंत में हे आता है वक यक आता है तो वाक्य के अंत में हे आता है ये वे वाक्य के कर्ता के रूप में आता है तो अंत में वाक्य के अंत में हाइम आता है ए हिंदी का व्याकरण रूप है सर्वनाम का व्याकरण रूप है समझा सभी को
मैंने एक पुस्तक है, ए लड़कियां हाइम वे लड़के हाइम, तुम कौन हो? तू है, मैं एक लड़की हूँ। समझा? सभी को समझा? इसके बाद एक और वीडियो सेंड करने के बाद मैंने भी कुछ नोट भी देंगे आपको, एक नोट मिलने के बाद हिंदी नोटबुक में लिख कर, आपका इसके बारे में कोई संदेह है तो मुझे बोलो। इसके बाद कुछ गृह कार्य भी देंगे आपने लिखने के बाद, मैं भी कुछ आंसर आपको वीडियो के साथ देंगे। सब मैंने सोचा सभी को ये सर्वना समझ सकता है, मैं सोचता है, ठीक है ना? ठीक है, शुक्रिया।